हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स ऑडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आया है स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेके या स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को लेके। तो कंटेक्स्ट को हम जानते हैं, इसके साथ ही हम इसको फिर अच्छे से डिस्कस है वो करेंगे। देखो, जब 4 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे मतलब छोटे छोटे टारगेट भी रखे थे, उनको भी अचीव करने की बातें की गई थी। वो जो उनका मेन टारगेट ये था कि गांधी जी का देखो एक सपना था कि साफ सफाई है उसको प्रमोट किया जाए और भारत है उसको क्लीन रखा जाए। क्लीन इंडिया का गांधी जी का एक विजन था, एक सपना था। उस विजन को पूरा करने के लिए ही बेसिकली 2014 के जो अक्टूबर आया था, मतलब 2 अक्टूबर 2014 था, उस दौरान बेसिकली डिसाइड किया गया था कि स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया जाएगा। और भारत जो आने वाली एनिवर्सरी है, जो कि 2018 में भी गांधी जी की एनिवर्सरी आ रही है, उस पर 150 साल हो जाएंगे गांधी जी की एनिवर्सरी को। तो 150 सालों में हम भारत को कितना स्वच्छ रख पाए, ये बेसिकली इसको ले फोकस करने की बात है, वो की गई थी। तो हम कुल मिला के अगर सीधी सीधी बात करें तो मतलब ये है कि भी दो गांधी जी की जो बर्थडे की एनिवर्सरी आ रही है, इसी उपलक्ष्य में हम भारत को कितना साफ कर रख रहे हैं या क्लीन भारत का जो सपना था उसे कितना अचीव कर पा रहे हैं, इसके लिए बेसिकली ये अभियान है, कैंपेन है, वो चला गया है। मतलब देखा जाए तो 2 वीक के लिए कैंपेन चला गया है, क्योंकि 15 अगस्त को इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। मोटो इसका यही है कि साफ सफाई को प्रमोट करना है और 2 अक्टूबर तक हमें भारत को एकदम क्लीन या चकाचक बना देना है। अब देखो, बात ऐसी है कि देखो इसमें होगा क्या। सबसे पहली बात है तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है वो पूछ सकती है यहाँ पे मिनिस्ट्री को लेके, तो ये ध्यान रखना है। इसका जो मेन काम है कोऑर्डिनेशन वगैरह का, वो किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। मतलब ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसके नोडल एजेंसी रहेगी, वो इसको लेके गाइडलाइंस वगैरह जारी करेगी, और बाकी जो अदर्स काम है वो अदर डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि साफ सफाई है वो केवल एक अकेली मिनिस्ट्री का काम नहीं है, बाकी और भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे और भी मिनिस्ट्रीज हो, सभी में साफ सफाई इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बाकी मिनिस्ट्रीज भी इसमें कोलैबोरेट है, वो कर रही है। अब होगा क्या, देखो गवर्नमेंट है वो जगह जगह पे इसके लिए नुक्कड़ अभियान भी स्टार्ट रही थी। गवर्नमेंट ने खुले में शौचमुक्त भारत को बनाने के लिए काफी सारे टॉयलेट प्रोग्राम चलाए, जिसके तहत लोगों को फंड प्रोवाइड करवाया ताकि वो लोग अपने घर में टॉयलेट बना सके और जो ओपन खुले में शौच जाते हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो उन सब बातों का मेन मोटो ये था कि 2018 के भारत 2018 का जो गांधी जयंती आएगी उस उपलक्ष्य तक हम भारत को क्लीन बना के रखना है, या स्वच्छ भारत है वो हमें बना के तैयार करके रखना है। तो उस दिशा में गाइडलाइंस वो स्टार्ट की गई थी और इसी के लिए भी अभियान है वो एक स्टार्ट किया गया है। मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अभियान है वो स्टार्ट किया गया है 2 वीक के लिए, ताकि गांधी जी के जो टारगेट्स थे, गांधी जी का जो सपना था, उनको हम पूरा कर सके। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान रखने, यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चंस पे, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है ओजोन लेयर को लेके। देखो, ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस साल भी 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे या वर्ल्ड ओजोन डे है वो मनाया गया था। थीम क्या थी वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। थीम इस बार की थी कीप कूल एंड कैरी ऑन, ये इसकी थीम थी द मॉनिटियर प्रोटोकॉल को लेके। तो ये थीम हमें ध्यान रखनी है, कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉनिटियर प्रोटोकॉल। मतलब मॉनिटियर प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है, जो उनका मेन मोटो ये तो है कि हमें मौसम ठंडा भी रखना है एनवायरनमेंट, और आगे कैरी ऑन भी रखना है, किसी तरह का पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होना। अब देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं ओजोन लेयर को के लिए कि ओजोन लेयर पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर है वो बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूर्य से जो भी सनलाइट आती है उनमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो होती है, यूवी रेज जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं। तो इनमें काफी कुछ जहरीली रेज भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनसे कैंसर जैसी डिजीज है वो हो सकती है, या फिर जीन्स वगैरह में म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इन यूवी रेज को रोक लेती है। मतलब जैसे ये मान लो कि यहाँ पे सन से लाइट आ रही है, इनमें यूवी रेज है, तो ओजोन लेयर क्या करेगी, इनको यहीं पे रोक लेगी, इससे आगे हमारी अर्थ तक सरफेस तक नहीं पहुंचने देगी। मतलब हम लोगों तक यूवी रेज को नहीं पहुंचने देती है। इसका फायदा क्या होता है, जो जहरीले हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचने वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, और ये हमारी रक्षा है वो करती है। तो ये तो है बेसिकली इसका काम, तो वो हमने यहाँ पे देखा। अब बात है मॉनिटियल प्रोटोकॉल की। देखो, मॉनिटियल प्रोटोकॉल है ये बेसिकली ओजोन लेयर को डिप्लेट होने से बचाने के लिए था, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली
1987 में ये प्रोटोकॉल है वो लाया गया था, बट ये एक्टिव फॉर्म में आया था 1 जनवरी 1989 को, मतलब 1987 में आया और 1989 में बेसिकली ये एक्टिव है वो हुआ था। काम इसका ये था कि ओजोन लेयर कुछ डिप्लीट हो रही है उसे हमें रोकना है। अब देखो ओजोन लेयर किन किन चीजों से डिप्लीट हो रही है, अगर उनका हम प्रोडक्शन रोक दें और उनका कंजप्शन रोक दें तो अपने आप ही ओजोन लेयर डिप्लीट होने से बच जाएगी, और यही बात यहाँ पे फोकस की गई। तो देखो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में जो अहम रोल है वो एक तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का। ये गैसें बेसिकली देखो जो कूलेंट होते हैं, जो शीतलक होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि एयर कंडीशनर्स होते हैं, फ्रीज वगैरह होते हैं, इसके अंदर ये गैसें यूज है वो की जाती है। तो जब भी ये एटमोसफेयर में रिलीज होती है ये गैसें, तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट है वो कर देती है। ओजोन लेयर को क्या करती है, ये ओ और ओ थ्री में ओ टू में तोड़ देती है, तो इससे क्या हो, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर जो यूवी रेज है वो हमारी सरफेस तक पहुंच जाती है अर्थ में, और फिर हमें नुकसान है वो पहुंचाती है, हम कैंसर जैसी बीमारियां वो होने लग जाती है। तो अभी बात ये ध्यान किया गया मॉनिटर प्रोटोकॉल में कि भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज हैं, इनका प्रोडक्शन और इनका कंजप्शन है वो एक तरीके से धीरे धीरे कम करके बंद करना है, और इसी दिशा में नए कदम उठाए गए और एक नई तरह की गैस है उनका इजाफा बनाई गई ताकि उनका यूज है वो किया जाए एसी और शीतलक जैसी चीजों में। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या था, किसको लेके आया था। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी कुछ क्यूरीज वगैरह है या जो भी आपको जानना हो, से कोई प्रोटोकॉल हो एनवायरनमेंट संबंधी या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हो या फिर इसी के साथ कोई ट्रीटी वगैरह के बारे में जानना हो यूएन की हो, तो वो सारी आपको अन अकेडमी पे एक लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहां से आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा ही वो वीडियो है वो बने गए, तो आपको फ्री आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी। उनकी पीडीएफ है वो आपको जो वेलकम यूपीएससी की वेबसाइट है वहां से आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड है वो कर सकते हो। और इसी के साथ जो वेलकम यूपीएससी का पेज है वहां पे आपको आज से एक एक या दो दो क्वेश्चन है वो डेली वो भी मिलने वाले हैं, तो आप उनका आंसर वहां पे दे सकते हो और उनका आंसर भी आपको वहां पे जरूर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन सुबह पोस्ट होंगे तो आंसर आपको शाम तक वहां पे मिल जाएगा या फिर एक दो घंटे बाद आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वो आप उसके बारे में अगर आपको फिर भी कोई सजेशन वगैरह देने हैं तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे या फिर हिंदी में हो तो उसमें आपको कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं होने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर है वो जरूर बताएं और क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके MPATGM के बारे में। तो यूपीएससी पहले तो डायरेक्टली यही पूछ सकती है MPATGM क्या है, क्या कोई यह इसरो का मिशन है या फिर यह कोई सबमरीन है या फिर यह कोई एक तरीके से आपको पूछ सकती है कि सिप है इंडियन नेवी वगैरह का क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई MPATGM है मतलब यह एक गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके बारे में देखो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि यह पहला कोई एडिशन मतलब पहली बार नहीं बनाई गई है, यह तीसरा एडिशन बनाया गया, तो इसमें तो कुछ ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रेंज पूछ सकती है, तो इसकी रेंज है वो है अप टू 2.5 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर तक ये चीजों को रिस्टोर है वो कर सकती है, तो ये इसके बारे में हम थोड़े फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। देखो इसका वेट है वो है 14.5 केजी, लेंथ है वो है 1.3 मीटर और डायमीटर वगैरह तो खैर हमें नहीं ध्यान रखने, ऑपरेशन लेंथ है वो 2.5 किलोमीटर तक है, मिनिमम है 200 मीटर से। एंटी टैंक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मान लो कि ये है आर्मी का टैंक है, इस टैंक के ऊपर किसी एनिमी कंट्री ने क्या कोई मिसाइल दागी तो वो उस टैंक पे आएगी, उससे पहले क्या होगा इस मिसाइल ये जो मिसाइल है एंटी टैंक वाली ये अगर इस टैंक पे लगी हुई है तो ये इसको नष्ट कर देगी मिसाइल को, जिससे टैंक को सुरक्षा है वो मिल जाएगी, मतलब टैंक को बचाने के लिए बेसिकली इस मिसाइल का निर्माण है वो किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वगैरह क्या है, जिसके फीचर्स वगैरह हमने देख लिए, बाकी और ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी क्या वगैरह है कि वेट वगैरह के बारे में या फिर ये कौन सी तरीके से इसको लॉन्च वगैरह किया जाएगा, वो सब इतना कुछ काम का नहीं है। तो ये कुछ दो चार फैक्ट्स वगैरह हमें ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। इसके साथ इसके जो प्रीवियस वर्जन है वो भी एक बार आप देख लेना, यहाँ पे एक तो मिलन है और एक है कॉनकोर्स, तो ये ध्यान रखना है मिलन और कॉनकोर्स है ये बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बट ये इसके पुराने वर्जन है। तो थर्ड वर्जन है लेटेस्ट वो है MPATGM, तो फर्स्ट वर्जन तो हो गया मिलन, सेकंड वर्जन हो गया है कॉनकोर्स और थर्ड वर्जन हो गया है MPATGM, तो ये तीनों वर्जन से आप एक बार देख लेना ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह जहां से भी बने हम उसको इजीली एक्सेस है वो कर सकें।
अब देखो जो नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे आया है वो है स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट को लेके। देखो इंडिया ने पहला अपना एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट है वो बना लिया है। अब क्या होता है एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट? देखो जब भी कई बार जैसे कि हमारे देश के अंदर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हो रहा है या फिर न्यूक्लियर कोई वारफेयर हो जाए, भगवान ना करे खैर कभी फ्यूचर में हो जाए, तो उससे अगर हमें निपटना हो या फिर कोई मॉक ड्रिल वगैरह करनी हो तो न्यूक्लियर गैस वगैरह अगर न्यूक्लियर के जो एलिमेंट्स वगैरह अगर उनका रिसाव भी हो जाता है तो उनसे बचाने के लिए एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट की हमें जरूरत है वो होती है। जिस तरीके से देखो हम फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है तो उसमें हमें एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट की जरूरत है वो होती है। तो वो इंडिया ने अभी डेवलप है वो किया है। तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलायंस साइंस, तो इसके द्वारा बेसिक एलाइड साइंस इसके द्वारा बेसिकली इसका निर्माण है वो किया गया है। यह काम क्या करेगा, यह कोई न्यूक्लियर अटैक हो रहा हो उसमें भी यह काम आएगा, केमिकल अटैक हो या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, इन तीनों टाइप के वॉर में बेसिकली हेल्प है वो करेगा। तो वो जब भी ऐसे वॉर होते हैं तो उसमें इंसान घायल हो जाता है, तो घायल होने के बाद जो भी घाव वगैरह होते हैं वो जल्दी से रिकवर हो सके, इसके साथ ही जो रेडियो एक्टिव लीकेज होता है उसको रोकने के लिए ये बेसिकली न्यूक्लियर मेडिकल किट है ये काफी हेल्पफुल है वो रहता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है कि इंडिया पहली कंट्री है क्या ऐसा, तो भाई इंडिया पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले इंडिया रसिया यूएसए फ्रांस जैसे कंट्री से इन चीजों को इम्पोर्ट है, मेडिकल किट को इम्पोर्ट है वो करता था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव के बारे में। पहला इम्पोर्टेंट फीचर इसका यही है कि यह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का यह एक इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल से क्या है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है केसेस है वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उसके रोकने के लिए या उसको कहीं ना कहीं मतलब उनके केसेस में कमी लाने के लिए कि भाई क्यों हो रहे हैं उनको बचाया जा सके, इसके लिए बेसिकली स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। देखो वेस्ट बंगाल में होता क्या है, एक तो लेबर के लिए भी तस्करी होती है, इसके साथ ही सेक्सुअल वर्कर के फॉर्म में भी वहाँ पे वुमेन है उनकी तस्करी वगैरह होती है। तो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी उठा रही है और ये स्वयं सुधा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट है वो किया है। फिर इसी में एक थोड़ा डाटा है देखो साथ में दिया गया है तो थोड़ा सा आप इसको भी रख सकते हो, ये बेसिकली ज्यादा तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है पर थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कि एचआईवी एस्टिमेशन रिपोर्ट 2017 वो बेसिकली जारी की गई थी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई कि हमारे देश में 2017 में लगभग 21.40 लाख पेशेंट है जो कि एड्स एचआईवी से पीड़ित है। तो ये कुछ आंकड़ा दिया गया है तो मे बी आपको कहीं यूजफुल है वो सबका थोड़ा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है झारखंड को लेके। झारखंड गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी है या ईस्ट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है झारखंड जिसने ऑफिशियल यूज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी है वो बनाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलाउ है वो की है। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में और भी स्टेट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्टेप उठाए हैं बट ईस्ट इंडिया में झारखंड पहला है बना है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 5th नंबर पे झारखंड ने पॉलिसी बनाई है कि भाई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जो पोल्यूशन कम फैलाएंगे उन व्हीकल्स को प्रमोट है वो किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स वैसे छोटा सा था वो देखना है हमें। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, सीपीसीबी। देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 1974 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है उसके तहत बेसिकली इसको बनाया गया था। इसका काम ये है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, सफाई को प्रमोट करना, इसके साथ ही एयर क्वालिटी के ऊपर भी ये काम है वो करता है। एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट वगैरह है दिल्ली वगैरह में वो बेसिकली इसी के द्वारा ही जारी है वो की जाती है क्योंकि एयर क्वालिटी को भी यही मैनेज है वो करता है। तो ये तो हो गया बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। अभी हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी रिपोर्ट है वो जारी की गई है, उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। बेसिकली देखो जो रिपोर्ट जारी की गई है ये रिपोर्ट जारी की गई है रिवर्स के बारे में कि इंडिया की नदियों में पोल्यूशन का हाल क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई इंडिया में जो नदियों की हालत है वो कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है। 2 साल में देखा जाए तो नदियों में जो पोल्यूशन की मात्रा है वो बढ़ी है। पहले 302 नदियों में पोल्यूशन से ज्यादा, अब 351 नदियों में पोल्यूशन है वो बढ़ गया, मतलब पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ये 2-3 फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि कुछ तो ऐसी हैं जिनमें हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो पहले हम बात करें 2 साल पहले आज से, मतलब 2016 के टाइम की, 15-16 के टाइम की, तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो सबसे खराब हालत थी नदियों की वो थी लगभग 34 नदी ऐसी थी जिनकी हालत बहुत खराब थी और आज उनकी संख्या बढ़कर 45 है वो हो गई है।
और एक आश्चर्यजनक डाटा इफेक्ट है वो ये आया है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियां हैं वो तो एक्चुअली कम पोल्यूटेड है, जबकि जो ज्यादा पोल्यूटेड नदी है वो है महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में इंडस्ट्री ज्यादा लग रही है और यहाँ पे जो नदियां हैं इनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार और देखो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं वो बारहमासी नदियां हैं, मतलब उनमें 12 महीने पानी रहता है। क्यों? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश वाली जो नदियां हैं मैक्सिमम ये आती हैं हिमालय से, तो इनमें एनी टाइम पानी रहता है, तो इनमें पोल्यूशन के चांसेस कम है और इंडस्ट्री भी इनमें एरियाज में कम है, जबकि महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में डायरेक्टली पानी कम मिलता है, साल में 12 महीने पानी नहीं मिल पाता है और पोल्यूशन भी ज्यादा है, इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनमें पोल्यूशन ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्ट थोड़े से आंकड़े हमें ध्यान में रखना है। इनमें दिए रखा है कि 351 जो नदियां हैं हमारे देश में पोल्यूटेड, वो उनमें से 117 नदियां तो महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में ही है, फिर बाकी अदर स्टेट में भी है। तो कुछ थोड़ा सा डाटा वगैरह दिया गया, तो थोड़ा हमें यह देख लेना है, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैक्ट्स वगैरह थोड़े पते हो तो क्वेश्चंस को हम इजीली अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के बारे में, जो थी अभी आपको पता है कि गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी आ रही है, उसी उपलक्ष्य में क्लीन भारत को प्रमोट करने के लिए, क्लीन भारत का जो सपना था उसके लिए बेसिकली अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही हमने देखा कि ओजोन लेयर को लेके प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ हमने MP-ATGM के बारे में जाना, जो कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये इसका थर्ड वर्जन है, रेंज इसकी 2.5 किलोमीटर है। इसके साथ ही हमने देखा कि स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट है वो इंडिया ने तैयार की है और यह पहला है, मतलब इंडिया ने पहली बार ऐसा कारनामा किया है। नेक्स्ट हमने स्वयं सिद्धा इनिशिएटिव के बारे में जाना, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। इसके साथ ही हमने देखा कि झारखंड गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी लेके आई है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में हमने जाना, उसके कुछ फीचर्स हमने देखे और उसकी रिपोर्ट्स का कुछ डाटा हमने देखा। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।